प्रियंका मौर्य मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, भारतीय जनता पार्टी की आपने सदस्यता ली, वजह क्या रही? वजह ये रही कि कांग्रेस पार्टी में मैं थी और वहाँ पे एक स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं स्लोगन के लिए कहना चाहती हूँ कि ये मात्र एक स्लोगन बन के रह गया है, ये एक ढकोसला है, ठगा जा रहा है लोगों को ये बात करके कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से महिला विरोधी सरकार है और उन्हीं की पार्टी की जो एक महिला है, जो एक लड़की है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है आज। लेकिन फिर भी आप लोगों के माध्यम से मैंने कोशिश की कि उन तक वो बात पहुंचे, फिर भी शायद उन तक वो बात नहीं पहुंची, इसलिए मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। और मुझे लगता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ बात की जाती है महिलाओं की, महिलाओं को हक नहीं दिया जाता, बात की जाती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, तो वहाँ सिर्फ बात की जाती है, ऐसी पार्टी है ये, और सिर्फ बात कर रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार देंगे। उन्हीं की पार्टी की लड़की जो थी उसने अपने हक की लड़ाई लड़ी, जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पार्टी से। 40% जो है महिलाओं को वोट देने की बात कर रही थी प्रियंका गांधी, इसके अलावा आपका जो है चेहरा भी इस्तेमाल किया गया। मेरा चेहरा एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि मैं ओबीसी हूं और साफ साफ मेरे सब जगह नाम के आगे लिखा हुआ है ओबीसी। तो ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य का इस्तेमाल किया गया महिलाओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, ओबीसी के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारी कम्युनिटी के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी है। आप कहां से वोट टिकट मांग रही हैं? 170 सरोजनी नगर से मैं टिकट के लिए मैंने आवेदन किया था, पूरी मेहनत से, पूरी जी जान से मैं अपनी विधानसभा में लगी हुई थी। मैं पिछले 5-6 साल से लगातार सोशल सर्विस भी कर रही हूं और क्लिनिक भी अपना चलाती हूं, और इसी उपदेश से मैंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा कि जो मेरी मदद का दायरा है वो बढ़ेगा, सामाजिक जो मैं कार्य करना चाहती हूं वो मैं उसको और अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से मुझे डिमोटिवेट किया गया, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, सारी देश की महिलाओं की है कि अगर आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य रुक गई तो और महिलाओं की मैं आवाज नहीं बन पाऊंगी। थैंक यू। तो बीजेपी में आपने सदस्यता ली है, वजह क्या रही? योगी इसे प्रभावित हैं, बीजेपी से प्रभावित हैं, मोदी इसे प्रभावित हैं? मैं जिस तरीके का यहाँ पे कार्य हो रहा है, जहाँ चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ने का मौका नहीं दिया जाता, बीजेपी में मैं इसी उपदेश से अपनी ह्यूमैनिटी को जिस तरीके से मैं सर्व करती हूँ, उसी उपदेश से मैंने कदम रखा है। मैं लोगों के बीच अभी भी जाते रहूंगी और अपने मदद का दायरा राष्ट्रहित में बढ़ाते रहूंगी। थैंक यू। बिल्कुल, ये प्रियंका मौर्य हैं जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है, और साफ तौर पर इन्होंने तमाम आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस की तरफ से जो कहा जाता है कि महिलाओं को जो है सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं वो गलत है, और यही वजह है कि कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर के इन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। कैमरा पर्सन शिवम तातानु, कुमार समाचार, लखनऊ।